मैंने ना सारी जिंदगी बर्फबारी नहीं देखी थी। मुझे याद है मैं टेक्सला में पढ़ता था, मेरा कजन आया मेरे पास लाहौर से और मुझे कहता है यार मरी में बर्फबारी की फोरकास्ट है, चल चलें। भाई ने ना आओ देखा ना ताओ, रात हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह सुबह हम निकले टेक्सला से चार घंटे ड्राइव करके हम मरी पहुंचे और ऐसे कोने में कहीं चप्पे चुप्पे में थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई ना। हमने जहाँ जिस होटल में चेक इन किया उसको हमने पूछा कि यार मतलब बर्फबारी का क्या सीन है। हाँ कहते कल रात को बड़ी बर्फ पड़ी थी बड़ी, और बस आज तो सारा दिन बर्फ ही पड़नी है। भाई सारा दिन गुजर गया बर्फ नहीं पड़ी, अगला सारा दिन गुजर गया बर्फ नहीं पड़ी। भाई हम मुंह लटक आके वापस आ गए लेकिन भाई ने बर्फबारी नहीं देखी। पड़ी भी जरूर देखी लेकिन होती भी नहीं देखी। और अल्लाह की शान देखें और चेक करें, सोचा होता बंदे ने कभी ऐसे, मतलब देखें जरा, वाह क्या सीन है क्या सीन है। कौन सा महीना चल रहा है भाई? मार्च, आधे से ज़्यादा गुजर गया, अप्रैल आने वाला है। और वाह, बस आज मैं आपको ये कुछ सीन चेक करवाता हूँ थोड़े से बर्फ के और हम बहुत सारी बातें करेंगे आज। बहुत ठंड है भैया, शदीद ठंड है, लेकिन व्लॉग के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, पहले पीछे जाके देखते हैं कि पिछली वाली वीडियो में मेरे साथ क्या हो रहा था, पहले वो देखें फिर हम आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे अच्छी हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में अच्छी हैं। आई थॉट अबाउट मेकिंग अ वीडियो अबाउट दैट। तो सबसे पहले मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो चीज़ मुझे याद आती है वो ये है बार्बर। आप देख सकते हैं बाल शाल का टाइम है, थोड़ा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम बार्बर शॉप्स पे लड़कियाँ जो बाल काटती हैं उनको लड़कों के ज़्यादा बाल काटने का और चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और या मेरी जैसी मेरी जर्मन है वैसी उनकी अंग्रेज़ी है, तो बस ऐसे गुजारा ही होता है भाई। उनको मैं ना फेसबुक पे दिखा रहा होता हूँ, यार ये देखो इस तरह की फ़ोटो, फिर इस तरह के बाल बना दो, इस तरह के बाल बना दो, तो बस फिर ऐसे की कटते हैं ये खदशात। और ये मैंने खुद किया है बाद में, और सिर्फ कटिंग विथ वॉशिंग कॉस्टेड मी लाइक 19 यूरोज़। हिसाब किताब आप खुद लगा लें, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पूरे साल का नाई का हिसाब किताब इतना नहीं बनता जितना यहाँ पे सिर्फ एक कटिंग का बन जाता है। दिस इज़ समथिंग विच आई मिस द मोस्ट। मैं आज बर्फबारी दिखा रहा हूँ थोड़ी सी, तो ये ना समझिएगा ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आई डोंट रियली लाइक इट नाउ। अब मुझे सूरज ज़्यादा अच्छा लगता है, और द थिंग आई मिस द मोस्ट हियर इज़ सन अलॉट।
और मुझे क्या याद आता है, हाँ लोटा भाई, इतना मिस करता है ना बंदा। मतलब मेरे पास जो मेरा फ्लैट है उस पर मेरे पास लोटे हैं दोनों वॉशरूम्स में, पब्लिक वॉशरूम्स में, लोटा नहीं मिलता यार और बंदा बहुत मिस करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भाई टिशू यूज़ कर रहा हूँ जब कमरे में जाते हैं तो लोटा यूज़ कर लेते हैं, वरना भाई टिशू से गुजारा करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो लोटा साथ लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मिल जाता है। वो पौधों को पानी देने वाला नहीं होता, वो मिलता है आइन यूरो शॉप से, एक यूरो का मिल जाता है। तो वो जितना मर्ज़ी ले लो और रखो, वो बहुत अच्छा काम करता है। लोटा साथ लाने की ज़रूरत नहीं है भाई, गुजारा हो जाता है। और क्या मिस करता हूँ, हाँ किन्नू और आम, सर्दियों में किन्नू और गर्मियों में आम, बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने, बहुत ज़्यादा मिस किया। फूड बंदा बहुत ज़्यादा मिस करता है। और मैं क्या मिस करता हूँ, हाँ बंदा दोस्तों को और फैमिली को तो मिस करता ही ऑफ़ कोर्स, लेकिन ये है कि उनसे मैं बात कर सकता हूँ तो उनसे बात हो जाती है, ये अच्छी चीज़ है। वन मोर थिंग आई मिस द मोस्ट इज़ खुली हुई दुकानें। यहाँ पे भाई शाम को 5-6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। और जब आप ऑफिस से निकलते हो और जब चीज़ें ख़रीदने का टाइम होता है तो सिर्फ सुपरमार्केट खुली होती है जहाँ पे आप ग्रोसरी वगैरह ख़रीद सकते हो, ऐसे शॉपिंग, कपड़े, जूते, स्पोर्ट्स, ब्ला ब्ला जो मर्ज़ी होता है ग्रोसरी के अलावा वो आप नहीं ख़रीद सकते। संडे को सारी की सारी मार्केट्स बंद होती हैं जब मुझे छुट्टी होती है, और जब मैंने शॉपिंग करनी होती है तो मैं शॉपिंग नहीं कर सकता। ये दो चीज़ें हैं, ये मतलब दुकानों को खुला होना। पाकिस्तान में मुझे पता है पूरी रात भी दुकानें खुली होती थी और पूरा दिन भी दुकानें खुली होती थी, और वीकेंड पे तो लाजमी खुली होती थी और स्पेशल छुट्टियों में लाजमी खुली होती थी। और यहाँ पे भाई सब कुछ जैसे पब्लिक हॉलीडे, मतलब पब्लिक हॉलीडे, सब कुछ बंद, दुकानें भी बंद, मतलब कुछ नहीं ख़रीद सकते आप। तो ये एक और चीज़ है जो मैं मिस करता हूँ जो यहाँ पर नहीं है। और फूड में नहारी, दलीन, बिरयानी और मुश्किल खाने जो बाहर मिला करते थे, हम इस्लामाबाद में खाया करते थे, तरखंडा, कढ़ाइयाँ, और ये सारा कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। फास्ट फूड, क्योंकि यहाँ पे जो चिकन है वो, जो मीट है वो हलाल नहीं है बेसिकली, तो वो सारा कुछ मैं बहुत मिस करता हूँ। ये एक और चीज़ है जो यहाँ पर बंदा बहुत मिस करता है जो वहाँ पर अच्छी है। यस आई गेस तो यहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू वांट टू नो नेक्स्ट। और अगेन, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू शेयर इट विद अदर्स, और बस मिलते हैं जल्दी। बस अगली वीडियो आई बस।